करते रहेंगे साथियों। कल हमारी राजधानी हमारे सत्यवती के उन्होंने कहा कि हम संशोधन कर सकते हैं, लेकिन हमारे साथियों ने एक ही बात की, या तो कानून रद्द करो या इन कानूनों को वापिस लो। साथियों, मैं आपका ज्यादा समय ना लेता हूं, मैं तो निवेदन करना चाहता हूं कि जिस भी भाई को जितना भी हक मिले, मैं दूसरे साथी जो घरों में बैठे हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आओ सड़कों पर आकर के इस लड़ाई में हिस्सा बनाओ, इस लड़ाई का योगदान करो। साथियों, अगर पुलिस पहचान करेगी तो सारे साथी एक होकर के इस हरियाणा पुलिस के लिए, दिल्ली पुलिस का भी हम मुकाबला करने को तैयार है। साथियों, क्या रहना आपका बहुत बहुत ये जी दुध का टैंक आया, दुध का देखो लोगों सेवा किदा लाई है, वे किदा सेवा लाई है लोगों ने। देखो पैप लाया दुध पाई जाते हैं। देखो जी दुध पैंदा, देखो एडे एडे वड्डे काम कर ले लोग। देखो जी दुध पैंदा, पटियाला जिला से सभी किसानों ने इकट्ठे होकर किन्नू इकट्ठा करके एक पिकअप किन्नू किसानों के लिए बहादुरगढ़ टीक रिपोर्टर लेकर जा रहे हैं। मैं सभी ग्रामवासियों का धन्यवाद करता हूं जो किसानों ने सभी किसानों के सहयोग और गांव तेजाखेड़ा के सहयोग से ये पिकअप किन्नू के लेकर जा रहे हैं। और हमारी ये भी है कि अगर ये ऐसे चलता रहा तो हम दिल्ली की एक पिकअप वहाँ भेजेंगे। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, ताऊ देवीलाल अमर रहे, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। काले कानूनों पर विशेष कमेटी का लॉलीपॉप पकड़ाकर बेईमानी बंद करे मोदी सरकार, हमारी पहली मांग ये। कल जब किसान संगठनों को बातचीत के लिए बुलाया गया था तो हम सबको उम्मीद थी के चंद धन्ना सेठों की चौकीदार मोदी सरकार 62 करोड़ अन्नदाताओं की आवाज और पुकार को सुनेगी और 3 कृषि विरोधी काले कानूनों को खत्म करने की घोषणा करेगी। पर दुर्भाग्य ये है कि देश के कृषि मंत्री ने विशेष कमेटी का जुमला पेश कर देश और किसानों की आंखों में धूल झोंकने का काम किया। क्या प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बताएगी कि 3 खेती विरोधी काले कानूनों पर विचार करने के लिए कानून बनाने से पहले ये कमेटी क्यों नहीं बनाई गई? मोदी सरकार ने ये काले कानून चोर दरवाजे से अध्यादेश बनाकर क्यों लेकर आई? जब कांग्रेस और विपक्षी दलों ने देश की संसद में इन 3 काले कानूनों का विरोध किया था और इन्हें संसद की विशेष समिति में भेजने की मांग रखी थी तो मोदी सरकार ने उस मांग को क्यों नहीं माना? कांग्रेस और विपक्षी दलों के सदस्यों को निलंबित क्यों कर दिया गया था? राज्यसभा में बहुमत ना होते हुए भी ध्वनि मत से यानी वॉइस वोट से इन काले कानूनों को क्यों पारित करवाया गया था? क्या जो काम विशेष कमेटी करेगी वो संसद की विशेष समिति को नहीं करना चाहिए था?
संविधान में खेती तो प्रांत का विशेषाधिकार है, यानी कानून बनाने का अधिकार प्रांतों को है। फिर मुट्ठी भर उद्योगपतियों को खेती का 25 लाख करोड़ का कारोबार सौंपने के लिए 3 काले कानून मोदी सरकार ने जबरन कंकरेंट लिस्ट में क्यों बनाए? देश के कृषि मंत्री किसानों को विशेष कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखते हैं, और देश के प्रधानमंत्री जो एक आदमी की सरकार चला रहे हैं, मन की बात और वाराणसी के अंदर जाकर इन काले कानूनों को सही ठहराते हैं। अगर ये तीनों काले कानून सही हैं, तो फिर मोदी सरकार और कृषि मंत्री किसानों से क्या बातचीत कर रही है? मोदी सरकार राजनीतिक तौर से बेईमान है और किसान की पीठ में छुरा घोंप रही है। देश में भाजपा सरकार नहीं, लगता है कंपनी राज है और संघर्ष ही इसका इलाज है। राजनीतिक लॉलीपॉप और झुंझुने पकड़ाने की बजाय 3 काले कानून खत्म करने चाहिए। साथियों, सवाल यह है कि क्या ये महात्मा गांधी का भारत है? क्या भाजपा सरकार के मालिक मुट्ठी भर उद्योगपति हैं या इस देश के 130 करोड़ नागरिक? क्या दिल्ली दरबार पूंजीपतियों की तिजोरी का गुलाम है या फिर देश के संविधान का? समय आ गया है कि भारत के 130 करोड़ भारतवासियों को ये सवाल पूछना पड़ेगा। इसका किसान आंदोलन रत है। पिछले एक हफ्ते से किसान करो या मरो की राह पर, आंदोलन के रास्ते पर खड़ा है। किसान और मजदूर की आत्मा कराह रही है। देश की मिट्टी, खेत, खलिहान न्याय मांग रहे हैं। अन्नदाता अपना अधिकार मांग रहा है और मोदी सरकार उन्हें घाव देने में जुटी है। कभी राष्ट्रीय राजमार्ग खुदवाकर, कभी कंटीले तार लगवाकर, कभी मिट्टी के बांध बनवाकर, कभी सड़कों पर खाइयां खुदवाकर, कभी ठंड के मौसम में धरती के बेटों पर वाटर कैनन चलवाकर, और किसानों के बेटों यानी पुलिस और फौज के जवानों को किसानों के सामने खड़ा कर संगीन के सायों में डराने की कोशिश करवाकर,